गाइस भैंस आ गया, भैंस पागल ना हो जाए। रुक तो हेलो फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसे कि आप सबने हमारा पिछला वाला ब्लॉग अभी देखा ही था, जो कि गणपति बापा वाला था, जो कि उनका आगमन हुआ था, हम लोग कहाँ कहाँ गए थे दर्शन करने, तीन चार लोकेशन पर गए थे दर्शन करने, और उसका भी रिस्पांस कैसा आया था, कुछ इतना वाला रिस्पांस था। तो इसलिए मैं उसके बारे में कुछ बात करना नहीं चाहता हूँ। बात बाकी आज क्या है बताऊँ, आज है गणपति बापा का विसर्जन। बहुत सैड डे आज यार गाइस। तो आज गणपति बापा का विसर्जन, जो कि हम लोग तो चाहेंगे बहुत होशो उल्लास से उनका विसर्जन करें, ताकि अगले साल वो फिर से आएँ और उसी जो उल्लास से हम लोग फिर से उनका त्यौहार मनाएं। पर इसमें मेरे लिए एक वो भी है, क्या बोलते हैं, इसमें मेरे लिए भी एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया। मेरे लिए दो काम हो गया, जैसे कि पहला मुझे तो पापा के साथ जाना है बैढ़न, तो उनके साथ जाना है बैढ़न, और दूसरा विसर्जन में भी जाना है। तो काम फंस गया दो। अब देखिए कहाँ जाते हैं, या तो बैढ़न जाएंगे या तो विसर्जन में जाएंगे। अगर बैढ़न जाएंगे तो विसर्जन नहीं जा पाएंगे, और अगर विसर्जन में जाएंगे तो बैढ़न नहीं जा पाएंगे। बाद में व्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा, आप लोग सब पता चल जाएगा। तो गाइस फाइनली हमारे प्लान में कुछ थोड़ा सा चेंज है। प्लान में चेंज ये है कि हम लोग बैढ़न नहीं जा पाए, क्योंकि बैढ़न पापा के लिए चले गए, और विसर्जन में मैं ही जाऊँगा अकेले। जी हाँ, मैं जा रहा हूँ उधर विसर्जन में, पापा चले गए बैडन। तो आप लोग ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिए, तो मैं आप लोग मिलता हूँ रास्ते में। फाइनली आई एम रेडी गुब्रो, ये देखो मेरा आउटफिट, इस पर लिखा भी है गजानन परिवार के हूँ मैं सदस्य। ये गजानन परिवार के सदस्य, हमें टी शर्ट मर्चेंटाइज मिला था वहाँ से, मेरे कमेटी के मेम्बर्स के ओर से, क्योंकि मैं उस कमेटी का हिस्सा हूँ इसलिए मुझे टी शर्ट मिला था। तो अब हम लोग निकलते हैं, लेट्स गो। तो गाइस फाइनली वी आर हियर। ये देखिए ये सेटअप, डीजे का अपने इधर बैठे हैं अंकल, रितेश भैया और भैया बैठे हैं, और बाद बाकी इधर आंटी है, और इधर इधर रिद्धि जी हैं, इधर सिद्धि जी हैं, और इधर गणेश जी हैं। इधर गणेश जी को मेरे साक्षात दंडवत प्रणाम। ये रहे कृष्णा जी हमारे, ये रहे अंकल जी, सारे लोग हैं यहाँ पर। अभी थोड़ी देर में विसर्जन होगा, तो आप लोग व्लॉग को एंड तक जरूर देखना, और यहाँ से व्यू दिखाऊँ। ये देखो व्यू, ये लड़की पागल होती है थोड़ी। तो फाइनली हम लोग मूर्ति उठाने के लिए रेडी हो गए हैं, और इधर जो ऑरेंज कुर्ता पहने उनके पीछे मैं हूँ वाइट टी शर्ट में, और इस वक्त फ़ोन मेरे पास है नहीं, और जिनके पास फ़ोन है वो मूर्ति दिखाने के अलावा सब दिखा रही हैं। अब मूर्ति दिखा रही हैं तो इसके वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है, और आप लोग जानते हो कि अगर म्यूज़िक बच जाएगा तो फिर कॉपीराइट आ जाएगा। सो दैट्स द मेन रीज़न। अब यहाँ से सिद्धि जी का मूर्ति मैं लेके जा रहा हूँ, और एक लड़का लेके जा रहा है, क्योंकि मूर्ति बहुत भारी था और इसे मैं अकेले नहीं ले जा सकता था। और यहाँ पर भी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़े
गाने बज रहे थे, बॉलीवुड और भोजपुरी दोनों मिक्स करके गाने बज रहे थे, और वो गाना मैं बजा नहीं सकता। आप लोग देख सकते हैं सारे लोग डांस भी कर रहे हैं, और वो गाना अगर बज जाता तो कॉपीराइट आ जाता, कॉपीराइट इशू आ जाता, और वो मैं चाहता नहीं हूँ कि कॉपीराइट आए। और वो देखिए एक और मूर्ति आ रही है, तो मुझे जहाँ तक लगता है इस पूरे ब्लॉग में 20-30-40% वो होगा, वॉइस ओवर होगा। और बाद बाकी आप लोग ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन मिलता हूँ। गाइज हमारा गणेश विसर्जन तो निकल गया, पर ये देखिए इतने सारे यहाँ भैंस आ गए। गाइज भैंस आ गए, भैंस पागल ना हो जाए। विसर्जन दिखाऊं, ये चेक करो विसर्जन का स्टेटस, पहले मूर्ति उसके बाद बैक साइड। ये देखो ये रहा मूर्ति, ये रहा मूर्ति, अरे ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, ये रहा बैक साइड। इधर मूर्ति, इधर बैक साइड। अंकल इधर आइए चलो पीछे पकड़ो, जाओ पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जय जय जय। चलो आइए चलो उठाइए, मौर्या 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 मौर्या, अरे पीछे पीछे पीछे, गणपति बाप्पा मौर्या, गणपति बाप्पा मौर्या, मौर्या 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 मौर्या। तो गाइज वापस तो आ गए हैं विसर्जन विसर्जन करके, मैं दिखाऊंगा कि नहीं इस ब्लॉग में आई डोंट नो। तो यहाँ का सिचुएशन क्या दिखाऊं, अभी दिखाता हूँ। तो ये रही दो ठो, छोड़ दो लोग। और यहाँ का भी स्टेटस देखिए, आफ्टर दैट आफ्टर दैट, मतलब मूर्ति विसर्जन के बाद। और पंडित जी इधर, आंटी इधर, आंटी वी आई टी मेन जो पूजा करा रही है। इधर आंटी प्रसाद बांट रही है, इधर अंकल बैठे। अंकल कुछ कहना चाहते हैं? नहीं तो कुछ मत कहिएगा। गजब बेइज्जती है, ये वीडियो बना रहे हो। कुछ कहेंगे इस गणेश पूजा के बारे में, कुछ कहेंगे जो खत्म हुआ? वीडियो बना रहे हैं। ये रही मैंने की अपनी बाइक बंद, ये रहा मैं अपने घर आ गया हूँ, घर जाके आप लोग से बात करता हूँ। घर ये देखिए मम्मी। गाइस इतना देर बाद मैं आप लोग अपना चेहरा रिवील कर रहा हूँ, मतलब वैसे तो कर दिया था, पर लाइट में घर आके इतना देर बाद चेहरा रिवील कर रहा हूँ। भाई साहब मम्मी का रिएक्शन वॉज वेरी बैड,
क्या बताऊँ। तो आप लोग कैमरा में देख के लिए कैसा रिएक्शन था वो तो आप लोग देख ही लिए, मम्मी का रिएक्शन कैसा था उसमें क्या ही बताऊँ, नो कमेंट्स ऑन दिस। तो बस अब जा रहा हूँ थोड़ा सा नहाने, थोड़ा सा क्या पूरा ही नहाऊंगा, उसके बाद मैं आप लोग से मिलता हूँ यार, बताता हूँ क्या हुआ था पूरा स्टोरी। साफ हद तक दिख रहा होगा वरना भाई साहब बिफोर कैसा चेहरा था और आफ्टर कैसा चेहरा था वो तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो मैं क्या करूँ। और इस बार वाला व्लॉग कैसा बनेगा वो मेरे को भी नहीं पता, और ये व्लॉग मैं पोस्ट भी कर पाऊंगा ये भी मेरे को नहीं पता, क्योंकि कितना क्लिप्स होगा कितना क्लिप्स नहीं होगा, क्योंकि फ़ोन मेरे पास था नहीं और वीडियो मैं शूट कर नहीं रहा था, बहुत कम टाइम वीडियो मैं शूट किया हूँ। और जिन जिन लोगों को मैं वीडियो बनाने के लिए बोला था वो सब वीडियो बनाने में एकदम वीडियो बनाने में बेकार थे, और मैं बीच में शायद बोला था पंडित जी से, हाँ बीच में मैं पंडित जी से बोला था थोड़ा बात कराने के लिए, मैं बोला था कि हाँ पहले आंटी से बात कराऊंगा फिर पंडित से बात कराऊंगा, वो भी नहीं बात करा पाया इसलिए। तो फाइनली इसी के साथ हमारा सुख दुख और खुशी से हम अपने गणपति बापा का विसर्जन कर चुके हैं और हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आया। तो बस आई होप यू ऑल, ठीक है, आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस व्लॉग, और व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, और अगर चैनल पर नहीं होगे तो यार सब्सक्राइब कर देना यार, और वीडियो जैसा भी लगे बता देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना बस। तब तक बाय बाय। याद से सब्सक्राइब कर देना।